सर कॉल पीसीओ से था? हाँ गायत्री, नेडीगरी के पास के पीसीओ से, जहाँ गीता और उसके बच्चे एक टूटे फूटे खंडर जैसे घर में रहते थे। सर ये राजीव अभी तक नहीं टूटा है, काफी टफ कस्टमर है। सर 1 फरवरी के बाद का स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ये राजीव और दो बच्चे कहीं स्पॉट नहीं हुए। जनवरी 2017 का फुटेज भी स्कैन करो, हो सकता है जनवरी के लास्ट वीक में इसने गीता को मारा हो और फिर बच्चों को लेकर ट्रेन में कहीं निकल गया। सर ये राजीव डेफिनेटली एलएपी में था, नेडीगरी पीसीओ से कॉल के बाद इसके सेल पर कोई भी कॉल नहीं आया, इसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड से भी इस बात का पता चलता है कि एलएपी में था। सर गीता की लाश हमें 13 फरवरी को मिली, वो 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच ही मारी गई होगी। बच्चों के साथ क्या किया होगा इसने? इस राजीव नायर पर 3rd डिग्री भी काम नहीं कर रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुलवाना तो है किसी भी कीमत पर। मैं अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करूंगी, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद तुम अपनी बीवी और बच्चे का मुंह नहीं देखोगी। गीता हमारी बेटी जैसी थी, अगर रत्ती भर भी इंसानियत बची है, शर्म बची है, तो पुलिस को बता दो कि वो दोनों मासूम बच्चे कहाँ हैं। मुझे नहीं पता, मैं पुलिस को बता चुका हूँ। मैं भी बता चुकी हूँ कि 9 फरवरी को तुम बेलगांव से बाहर गए। अरे कहाँ चले? 2-4 दिन में लौटूंगा। पर जा कहाँ रहे हो आप? एक काम है, निपटा के आता हूँ, चलता हूँ। इसका कहना है कि प्रसाद के कत्ल के साथ साथ तुम पर गीता के कत्ल का भी इल्जाम लगेगा, क्योंकि पुलिस को पता चला है कि गीता के कत्ल के वक्त तुम एलएपी में मौजूद थे, हालांकि तुम मुझे बिना बताए वहाँ गए थे। प्रसाद और गीता के कत्ल के अलावा पुलिस का कहना है कि तुम पर दोनों बच्चों के कत्ल का भी इल्जाम लगेगा। क्या तूने दोनों बच्चों को भी मार डाला राजीव? हमने पूरा मैंगलुरु छान मारा, लेकिन बच्चे हमें कहीं नहीं मिले। बोल बोल क्या किया तूने बच्चों के साथ? मैंगलुरु में मार बच्चों को तूने? मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं उन्हें एक अनाथालय में छोड़ आया हूं। अनाथालय का नाम बोल। आनंद बाल केंद्र। सर ये फिर से गेम खेल रहा है, झूठ बोल रहा है। हो सकता है, पर दुआ करता हूं कि इसका झूठ सच साबित हो। सुनील तुरंत मंगलूर के लिए निकलो। सर जया जी, अब हमें पता चला है पूरी तरह कि आपकी बेटी गीता ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। मेरी बेटी का वाकई में राजीव के साथ चक्कर था जी। मेरे दामाद को इसलिए दोनों ने मार डाला जी। राजीव सच बोल रहा है। देखिए आदमी इतना बड़ा ड्रामेबाज है कि कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है कुछ पता नहीं चलता, पर यकीन मानिए हम सब यही चाहते हैं कि मैंगलुरु अनाथ आश्रम वाली बात सच साबित हो और दोनों बच्चे सही सलामत हो। सर आप उन्हें बस वापस ले आइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई की आखिरी निशानियाँ है वो, हम दोनों ने गोद ले लेंगे। निशा जी हम भी यही चाहते हैं, आप हौसला रखिए। कौन सी ट्रेन थी? नहीं पता। कौन सी क्रॉसिंग थी? कितने बजे थे? पता नहीं, दोपहर 12-1 बजे का वक्त होगा। मैंगलोर सिटी के पास की कोई क्रॉसिंग थी। मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता था सर, मैंने बस उन्हें अपनी तकदीर के हवाले छोड़ दिया सर। तुमने तो छोटे बच्चों को छोड़ दिया ट्रेन में,
तकदीर के सहारे। याद रखना, अगर वो बच्चे हमें सही सलामत नहीं मिले ना, तो तेरी तकदीर हम लिखेंगे गोलियों से। मंगलुरु के ऑर्फेनेज वाली बात तो इसने सच बोली, पर ट्रेन में चढ़ने वाली बात सच है या फिर चाल चल रहा है? सर, अभी के लिए हम इसे सच मान के चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ सर, मंगलुरु स्टेशन पर दोपहर में आने वाली या जाने वाली या वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट मंगवाता हूँ 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका है, मंगलुरु रेलवे पुलिस, लोकल पुलिस सबको एक्टिव करो। सर, जरूरी नहीं कि ट्रेन अपनी मंजिल तक बच्चों समेत पहुंची हो, दो स्टेशन के दरमियान बहुत कुछ हो सकता है, खासकर बच्चों के साथ, वो किसी के भी हाथ लग सकते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया, बैगिंग माफिया। सुनील, गायत्री, हम एक अंधी गली में घुस रहे हैं, शेर के मुंह में हाथ डाल लें, सांपों का पिटारा खोल लें, लेकिन बच्चों को सही सलामत ढूंढने के लिए हम कुछ भी करें, कुछ भी। राइट सर। फरवरी को दोपहर 12 से 2 के बीच में दो ट्रेन निकलती है सी रूट पर, और दोनों मेल ट्रेन हैं। सर, मुझे दोनों ट्रेन के रूट मैप्स चाहिए। पहली ट्रेन जो निकली वो 1:15 बजे थी, त्रिवंद्रम राजकोट एक्सप्रेस, जो मैंगलोरू होल्ड करती है, और दूसरी ट्रेन है थाना एक्सप्रेस, जो यहाँ से 1:45 बजे निकलती है। हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 11 फरवरी को दोपहर में हुआ था। तो फिर आपके काम की ये दो ट्रेन है मैडम, और पनवेल तक दोनों के रूट्स बिल्कुल सेम है। बस उसके बाद वसई जंक्शन से त्रिवंद्रम राजकोट एक्सप्रेस मुड़ती है, पर मैंगलोर थाना एक्सप्रेस सीधे थाने जाती है। हम आपको बता नहीं सकते, इन बच्चों को सही सलामत देखकर हमें कितना सुकून मिला। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर फिर भी हम लगे रहे इस उम्मीद में कि ये बच्चे हमें एक ना एक दिन जरूर मिल जाएंगे। हमें लगा इन्हें इनकी फैमिली कहीं छोड़कर चली गई, हमें आप लोगों के केस के बारे में पता ही नहीं था। सर, हमारी अम्मा। बेटा, वो अम्मा वो आपके पापा की बहन है, निशा बुआ, जानते हो? कल आपको लेने आएंगे। मासा का है, हमें ट्रेन में बिठा कर पानी लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। सर, हमारी अम्मा क्यों नहीं आई? पहले पापा के चले गए, अम्मा बोली कि आ जाएंगे, फिर अम्मा भी कहीं चली गई। काम करते, पहले घर चलते, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर जाना आपको। अच्छा, दीदी वेट कर रही हो तुम्हारा। मैंने कहा था ना आपसे, बच्चों के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मुझे मौका मिले ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। पहले मेरी बेटी और दामाद की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर उनकी जान भी ले ली। और मेरी जिंदगी का क्या, वो बर्बाद नहीं होगी? नहीं, बहुत बर्बादी बाकी है। मैं नहीं चाहती हूं कि तू मरे और नरक में सड़े। मैं चाहती हूं तू यही इसी जेल में सालों साल सड़े मरे, कीड़े पड़े। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.